सो नमस्कार, वेलकम बैक टू हिमाचल महाभंडारा कोर्स इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत। सो लास्ट टाइम हमने बैंकिंग से शुरू किया था जी, बैंकिंग कर रहे थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आके कवर करना था सर। सो व्हाट आर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? दीज आर पार्ट ऑफ डिफरेंशियल बैंक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक, जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल कम। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक एज द वर्ड इटसेल्फ, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक सर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये ध्यान रखना जी। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होती है, हम लोग बात कर चुके हैं, आरबीआई के एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में दी गई बैंक आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड दीज आर पार्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंकिंग एज आई सेड। And it is focused on lending for financial inclusion. Inclusion के लिए बनाई है, small businesses को पैसा देंगे, but not exclusively so, but majorly so, sir. And they are established as a public limited company in private sector. Public limited here means कि shares issue हो चुके हैं public को, right? और ये 2013 हो गया Companies Act, अब पहले 1956 था, 1956 था, अब 2013 है जी। And under the Banking Regulation Act बने हैं 1949 में भी, and license इन्हें Banking Regulation Act में मिला है, और गवान कौन कर रहा है? RBI. So small financial banks are what? These are private financial institutions that can operate without any restriction in area. ये सर आ चुका है area की restriction, कौन से bank पे होती है ये आप लोग मुझे comment section में बताना, which bank has a restriction on area or any specification on area. Right over here it is written itself, regional rural banks and local area banks. Labs पे, local area banks पे सवाल आ चुका है, HAS में भी, HPAS में भी और UPSC में भी, right? So please इसे ध्यान रखना। The minimum capital कितनी होनी चाहिए जी? 100 करोड़, 100 करोड़ होनी चाहिए आपके पास, and foreign investment is permitted as in the case of other private sector commercial banks as well, right? And small financial banks are subject to all prudential norms. CRR, SLR and capital adequacy ratio, सब कुछ इन पे भी लागू होता है जी। एंड जो पता करने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, इन्हें 75% ऑफ क्रेडिट टू सेक्टर्स एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन देना होता है जी। क्लासिफिकेशन कौन से सेक्टर्स को? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को 75%, नॉर्मल बैंक को कितना देना है? 40%, स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितना देना? 75, बिकॉज इसका पर्पज ही वही है। एंड एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो शुड कॉन्स्टिट्यूट लोन्स एंड एडवांसेस अप टू 25 लाख, मतलब 25 लाख या उससे कम सर, राइट? 25 लाख या उससे कम का 50% लोन होना चाहिए इनका, बिकॉज स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट? दे कैन अंडरटेक अदर नॉन रिस्क शेयरिंग फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज नॉट रिक्वायरिंग एनी कमिटमेंट ऑफ ओन फंड, मतलब अपने पैसे अपने फंड को कमिट किए बिना म्यूचुअल फंड भी बेच सकते हैं, इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं, जो भी बैंक कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, राइट? बट रिस्ट्रिक्शन क्या है इन पे? 75% PSL norms, public priority sector lending, and 25 लाख तक अबाउट 50% loans, at least 50%, राइट? सो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एरिया ऑफ operations, एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस लाइसेंस के लिए? रेजिडेंट और इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, and companies and societies owned controlled by residents. Sir, ध्यान रखना, citizen नहीं लिखा है, citizen नहीं लिखा, resident लिखा है, please ध्यान देना इस पर। What is the difference between resident and citizen? Resident और citizen में क्या फर्क होता है, right? Resident के साथ एक और term भी आती है, NRI, non-resident Indian, that is, he is a citizen but not a resident, right? So the concept of small finance banks was one of the recommendations in 2009 report. ये रघुराम राजन साहब ने भी बोला था और नचिकेत मोर साहब ने भी बोला था कि small finance banks बना दी जाए। दूसरे तरीके की banks है payment banks, इनका आगे जाके ये chart आएगा, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं कि payment bank और small finance banks में फर्क क्या है। So payment bank क्या कर सकता है? Prepaid card, postpaid नहीं, prepaid card issue कर सकता है, और प्रमोट कौन कर सकते हैं? प्रीपेड कार्ड इशूअर्स, टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बिजनेसेस को पहली बार, प्राइवेट बिजनेसेस को
बैंक बना दिया गया जी, बैंकिंग में अलाउ कर दिया गया, राइट। सुपरमार्केट चेन्स भी कर सकती हैं, वॉलमार्ट टाइप्स, देन इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल स्मॉल बैंक्स विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। एंड व्हाट दे मस्ट डू, पेमेंट बैंक के पास 100 करोड़ कैपिटल, इनके पास भी 100 करोड़ कैपिटल, 75% इन गवर्नमेंट बॉन्ड, 75% इन प्रायोरिटी सेक्टर, 25% इन अदर बैंक्स, 25% ऑफ ब्रांचेस इन अनबैंक्ड एरियाज, हैव एटलीस्ट 26% इन्वेस्टमेंट बाय इंडियंस, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मेंटेन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इन्होंने भी करना है जी, गेट लिस्टेड इफ नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़, लिस्टेड ईयर मीन्स शेयर मार्केट के अंदर जी, राइट। सो हैव 25% ऑफ ब्रांचेस इन अनबैंक्ड एरियाज, इन्होंने भी 25% रखना है। बी फुल्ली नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, ये तो चलो कॉमन सी बात है। कैप लोन्स जो हमने बात करी थी 25 लाख रुपए की, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एट 10% एंड 15%, ये एक ही बंदे को सारे लोन नहीं दे देने, राइट। एंड क्या क्या और कर सकते हैं जी, ऑफर इंटरनेट बैंकिंग, ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट रहेगा, सॉरी से नोट करना, हैव ₹1 लाख कैप फॉर डिपॉजिट्स, पेमेंट बैंक ऑफ डिपॉजिट दे सकते हो, बट 1 लाख का लिमिट है, 1 लाख से ऊपर डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, राइट। सो गोइंग अहेड, इंटरनेट बैंकिंग इशू करना, म्यूचुअल फंड बेचना, ये वाला इतना जरूरी नहीं है, ये वाले पॉइंट्स पे ध्यान रखना डिफरेंसेस में प्लीज, राइट। एंड व्हाट दे कांट डू इज अगेन वेरी वेरी एसेंशियल, पेमेंट बैंक कैन नॉट ऑफर क्रेडिट कार्ड, कैन नॉट, दे कैन नॉट एक्सटेंड लोन्स, लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज नहीं हैंडल कर सकते, NRI डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, प्लीज ध्यान रखना इनको। डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते जी, लोन भी नहीं दे सकते। स्मॉल बैंक सब कुछ कर सकते हैं, बट बहुत बड़े लोन जिन्हें कुछ परसेंटेज तक भी अलाउड हैं, ज्यादातर 25 लाख से कम देने हैं, जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था। और सब्सिडरीज बिना परमिशन के, स्पेशल एक्सक्लूसिव परमिशन के नहीं फ्लोट कर सकते। कैन नॉट डील इन वेरी सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बट दिस इज नॉट सो एसेंशियल, राइट। सो गोइंग फर्दर जी, सो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, ये पोस्ट ऑफिस बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जी पोस्ट ऑफिस का। तो इन्होंने क्या करा, हर इलाके में पोस्टमैन, डाकिया, डाक तो ले ही आता है ना, सो जब डाकिया डाक लाया तो हर जगह पोस्ट ऑफिस है, हमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हमने क्या करा सर, पोस्ट ऑफिस को भी कुछ पेमेंट बैंक्स वाले पावर्स दे दिए। तो अब जो सब्सिडीज देनी है, जो लेट्स से पेंशन देनी है पुअर की, पुअर को कुछ देना है, सो हर जगह पोस्ट ऑफिस तो है ही है। सो उसी डाकिया से, उसी पोस्ट ऑफिस से हमने बना दिया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर काम करता है, 100% गवर्नमेंट इक्विटी है इसकी। क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं 1,55,000 जो पोस्ट ऑफिस हिंदुस्तान में है, एंड 3 लाख पोस्टल सर्विस वर्कर्स जो हैं उनकी सर्विसेज को फाइनेंशियल इंक्लूजन के एंड से भी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जी, राइट। द 4 की फीचर्स क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी लेके आना, स्ट्रीमलाइनिंग पेमेंट्स लाइक सब्सिडीज एक्सेट्रा, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ईज ऑफ एक्सेस, सबको आदत है डाकिये से मिलने जुलने की, राइट। मुद्रा बैंक जी, मुद्रा बैंक, सो मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही थी टू एक्सटेंड कोलेटरल फ्री, मतलब अनसिक्योर्ड लोन्स, कोलेटरल फ्री हेयर मीन्स अनसिक्योर्ड लोन्स बाय बैंक्स एंड NBFCs एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, कि गरीब बंदे को लोन मिले और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्लीज क्वेश्चन आ जाता है, मुद्रा योजना क्यों थी जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी। इसके लिए बनाया गया मुद्रा बैंक, विच इज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, 2015 में बनाया गया, और ये पहले NBFC बनाया गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फिर RBI के अंडर कर दिया गया। ये बेसिकली करता क्या है, दिस रीफाइनेंसेस ऑल माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर लोन्स। रीफाइनेंस हियर मीन्स कि सपोज ABC बैंक ने किसी छोटे आदमी को लोन दिया 50,000, अब ABC बैंक को जल्दी वापस चाहिए और छोटा आदमी नहीं कर सकता, तो ABC बैंक जा सकता है मुद्रा के पास कि भाई साहब रीफाइनेंस कर दो, सो मुद्रा ये वाले 50,000 इसे दे दे, राइट। दैट इज कॉल्ड रीफाइनेंसिंग सर, राइट। देन रिकैपिटलाइजेशन, ये क्या बात है जी, बैंक्स की कैपिटल जो हमने बात करी थी कि बैंक्स की कैपिटल जरूरी है फॉर द सेफ्टी ऑफ डिपॉजिटर एंड द कंपनी इटसेल्फ। सो इंद्रधनु स्कीम जो बनाई 2015 में, गवर्नमेंट को बोला कि सरकारी बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन करो। बैंक्स हैव इक्विटी एंड डेट मेकिंग अप देयर कैपिटल, वी हैव डिस्कस्ड दिस, एंड इंक्रीजिंग द कैपिटल इज, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिकैपिटलाइजेशन।
सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, बॉन्ड होता है जी एक पेपर जिस पे लोन लिया जाता है, तो लोन ले लिया बॉन्ड इशू करके, फिर पीएसबीज ने उसे सब्सक्राइब कर दिया, बॉन्ड फेच बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट विल बी पेड फ्रॉम बजट, बैंक्स हेल्थ विल इंप्रूव एज दे कैन स्टार्ट लेंडिंग विद हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड शेयर प्राइसेज ऑफ बैंक विल राइज, गवर्नमेंट इंडिया विल शेयर एट हायर प्राइस, दस इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। ये समझते हैं सर, थोड़ा सा एक मिनट ध्यान देना इस पे। अब बैंकों में कैपिटल कम थी जी, कैपिटल कम थी, एनपीए ज्यादा थे, एनपीए ज्यादा कैपिटल कम है ना, क्योंकि लॉस हो रहा है बैंक को, तो कैपिटल इरोड अवे हो जा रही है। अब सरकारी बैंक है जी, सरकार ने क्या करा, बॉन्ड्स इशू कर दिए, जो हमने बात करी थी इसके हाइंडसाइट में, ये याद रखना जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, रिस्क कैपिटल टू रिस्क अवेटेड रेशियो, कि अगर आपने 100 रुपए का लोन देना है और इसमें 20% का रिस्क है या चार लेट से 50% का रिस्क है, आपको इस 50 रुपीज के अबाउट 11% मेंटेन, 10% लगा लेते हैं, 5 रुपए कैपिटल में रखने पड़ेंगे पहले लोन देने के लिए। बट अगर इसी लोन पे 0% रिस्क होता, सरकारी लोन होता, तो आपको 0 रिजर्व रखना पड़ता, 0 कैपिटल रखनी पड़ती, तो कोई बात नहीं आप 100 रुपए दो। अब बैंक्स के साथ क्या हो रहा था जी, बैंक्स के पास वापस आते हैं इधर, एनपीए, एनपीए ज्यादा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कैपिटल कम। अब सरकार ने क्या करा, बैंक्स के पास डिपॉजिट तो थे बट वो लोन नहीं दे पा रहे थे बिकॉज उनके पास कैपिटल नहीं थी पीछे रखना, वो कैपिटल कम थी, राइट। सरकार ने क्या करा, बॉन्ड्स इशू कर दिए। अब सरकार के लोन पे तो 0% रिस्क होता है, उनको लोन देने के लिए बैंक को कैपिटल रखने की लोड़ नहीं। लेट्स से ये एबीसी बैंक थी, इसने 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड सरकार से खरीद लिए, राइट। 100 करोड़ रुपए पे लेट्स से 4% या 2% इंटरेस्ट दिया सरकार ने बजट से, बॉन्ड है लोन दिया तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, राइट। 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स ले लिए सरकार से इसी एबीसी बैंक ने अपने डिपॉजिट्स को यूज करते हुए, बिकॉज 0% रिस्क था, सो दैट्स वाई इन्हें कोई कैपिटल नहीं रखनी पड़ी पीछे बैंक को। 100 करोड़ अब आ गए गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने क्या करा, ये एबीसी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक था, इसी को ये 100 करोड़ रुपए दे दिए, ये ले बेटा तेरी कैपिटल। अब उनके पास कैपिटल आ गई, अब उनके पास कैपिटल है तो वो लोन्स का काम रीस्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे लोन दे सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, सरकार थोड़ा सा खर्चा करेगी और इन लोगों को लोन दे देगी, लोन लेके इन्हीं को वही पैसे दे देगी। इससे क्या होगा, क्योंकि सरकारी बैंक है और वो लोन अपना काम शुरू करेगी, जब काम शुरू होगा, कंपनी को प्रॉफिट शुरू होगा, तो इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो शेयर होल्डर कौन है ज्यादा मेजोरिटी, बिकॉज सरकारी बैंक है, तो सरकार ने जितना इंटरेस्ट दिया था उतना उससे ज्यादा ही इन्हें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। इट इज विन विन फॉर बोथ, बैंकों का भी प्रॉफिट रहेगा जी, सरकार का भी प्रॉफिट रहेगा। थोड़ा जल्दी पेपर आ रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी भाग रहा हूँ मैं, ना समझ आए कॉमेंट में बताना, मैं और सिंप्लीफाई कर दूंगा इसे, राइट। इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर रिकैपिटलाइजेशन, बट इसमें भी कुछ ना कुछ डाउनसाइड्स हो सकती हैं। एडवांटेजेस क्या है यार, वही एडवांटेजेस ऑफ बॉन्ड आर द सेम, मनी नीड नॉट बी रेज बाय टैक्सिंग, दैट इज सिटीजन टैक्स करके बॉन्ड्स, सॉरी टैक्स करके बैंक को रिकैपिटलाइज नहीं किया गया, नहीं तो सिटीजन पे बर्डन आ जाता। या दूसरी बहुत एडवांटेज क्या है, बाय बोरिंग डायरेक्टली फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ मार्केट्स, द सेंटर कैन अवॉइड क्राउडिंग आउट प्राइवेट सेक्टर, सो क्राउडिंग आउट नहीं होएगा एंड बैंक्स फाइंड द इन्वेस्टमेंट सेफ, क्योंकि सरकार तो वापस करेगी करेगी। बट डाउनसाइड्स क्या है, इट शुड नॉट एक्ट एज अ मॉरल हैजर्ड एंड बैंक शुड नॉट लेंड विदाउट ड्यू डिलीजेंस, कि 100 करोड़ अब तो फ्री में मिल गए, चलो जी फालतू के लोन देने लगे, और फिर से पीएनबी पे एसबीआई, एसबीआई पे जाग, भाग मालिया भाग, सो दो चार और मालिया को दे दें, क्या फायदा होगा उसका, राइट। किस उनको लग जाए जो मर्जी करते रहे, हम सरकार तो आई जाएगी, और फिस्कल डेफिसिट सरकार का लोन बढ़ गया। दो तीसरी डाउनसाइड, इट नीड्स टू बी सेड दैट अनलेस द टेम्पररी रिलीफ इज यूज्ड टू इम्प्रूव गवर्नेंस एफिशिएंसी, ना आई गवर्नेंस में तो फिर से आप एनपीए बना दोगे जी। तभी तो पीजे नायक ने बोला बैंक बोर्ड्स ब्यूरो लेके आओ, एफिशिएंसी लेके आओ, जो हमने पीछे बात करी थी, राइट। गोइंग फर्दर जी, फॉरेन बैंक्स इंडिया में दो तरीके से सेटअप हो सकते हैं, सब्सिडरी मॉडल वर्सेस ब्रांच मॉडल। ब्रांच तो क्या है जी, जैसे एचएसबीसी एक फॉरेन बैंक है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ब्रांच मॉडल क्या है, इसके सिंगापुर में, चाइना में भी ऑफिस है, एक ऑफिस ने यहाँ पे इंडिया में भी खोल दिया, दैट एचएसबीसी ब्रांच।
तो इसके लेट्स से टोटल एचएसबीसी के पूरी दुनिया में 10,000 करोड़ के एसेट है, जस्ट एग्जाम्पल। सो इधर वाले इंडिया के ब्रांच ऑफिस के 50 करोड़ के एसेट हैं, 10 करोड़ की लाइबिलिटी है। सो ये सारा एक ही एंटिटी माना जाएगा, नॉट अ सेपरेट एंटिटी। बट अगर वो एचएसबीसी वाले लोग सेपरेट सब्सिडरी खोलते हैं, यहाँ पे एक और सब्सिडरी खोलते हैं, इंडियन लॉ के हिसाब से रजिस्टर कराते हैं और लाइसेंस लेते हैं आरबीआई से, लाइसेंस तो इसका भी लगेगा बट अलग सब्सिडरी मॉडल लगाते हैं, सो दिस वुड बी कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी। अगर ब्रांच ऑफिस होगा तो मर्ज विद पेरेंट एंटिटी, अगर सब्सिडरी होगा तो सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी। एंड आरबीआई इनकरेजेस व्हाट टू बिकम सब्सिडरीज, बिकॉज ये ना ना हो कि बाहर के देशों का नुकसान आप यहां से फायदा उठा के निकाल लीजिए, राइट। सो डेवलपमेंट बैंक्स क्या है जी, दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। कौन से हैं जी, आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई पहले था बट ये बंद कर दिया गया, इसे प्राइवेट बैंक बना दिया गया। दीज नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, दीज आर डेवलपमेंट बैंक्स, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं जी। फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक वॉज आईएफसीआई विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इमिजिएटली आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948, राइट। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट बनाई गई थी जी इसके लिए, एंड हेंस स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन बनाया गया था ऐसे लॉ के हिसाब से। एंड एस एच खान कमेटी, इसका नाम याद रखना, एस एच खान कमेटी आरबीआई ने अपॉइंट करी, एंड इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सल बैंक बना दो, जैसे कि आईसीआईसीआई को बना दिया गया, आईडीबीआई को बना दिया गया, क्योंकि ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास कोई फायदे की एवेन्यू नहीं थी, ये लॉस मेकिंग बनते जा रहे थे, इसलिए खान साहब ने बोला कि इन्हें यूनिवर्सल बैंक बना, राइट। सो गोइंग अहेड, कोऑपरेटिव बैंक जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दो तीन बातें इसमें करने वाली कि ये ना मेंबर्स के लिए होती हैं, कोऑपरेशन एंड सेल्फ हेल्प के लिए होती हैं, वन मेंबर वन वोट, और ये प्रॉफिट के लिए नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए चलती हैं, जैसे हमारा महाभंडारा कोर्स चल रहा है, नो प्रॉफिट एट ऑल, जस्ट वेलफेयर, सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर नो प्रॉफिट एट ऑल, राइट। सो कोऑपरेटिव बैंक्स परफॉर्म ऑल दी मेन बैंकिंग फंक्शंस और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। इनमें थोड़ा ना जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, कोऑपरेटिव बैंक्स के गवर्नेंस के बारे में प्रॉब्लम आई थी, सो ये हम मेंस की क्लासेस में भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो कोऑपरेटिव बैंक्स आर लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज सर, एंड दीज आर अलाउड टू लेंड मनी ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जो अर्बन एरियाज में है, राइट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन एरिया में नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स नाबार्ड वगैरह, नाबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये बेसिकली एग्रीकल्चर की हेल्प करने को बनाई गई होती है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी एक एग्जाम्पल है जो लॉन्ग टर्म लोन देती है, राइट। एंड द सोर्सेज ऑफ देयर फंड्स, एक तो ओनर्स दे देते हैं जैसे कमिटियां पाते हैं मार्केट में, डिपॉजिट या डिबेंचर, डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट इकट्ठा करने के लिए, और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कभी ओनर है तो इशू करेगी, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हेल्प करेगी, नाबार्ड एंड अदर सच इंस्टीट्यूशंस आल्सो हेल्प, राइट। एंड सम कोऑपरेटिव बैंक्स आर शेड्यूल्ड वाइल अदर्स आर नॉन शेड्यूल्ड, सिर्फ इंडिया में दो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स रह गए, प्लीज मुझे बताना कौन से। कोऑपरेटिव बैंक्स आर सब्जेक्ट टू सीआरआर एंड एसएलआर, ये पॉइंट ध्यान में रखना, बट इनकी रिक्वायरमेंट्स आर लेसर देन कमर्शियल बैंक्स, राइट। देन शैडो बैंक्स, शैडो बैंक्स, इसमें शैडो का क्या मतलब है, ये निकला था जी सूरज, सूरज के नीचे अब पास में था एक, नीचे था पेड़, पेड़ की थी छाया, सो छाया में लाइट कम थी ना, सो ये हमने इंस्टीट्यूशन का नाम शैडो बैंक क्यों करा, बिकॉज रेगुलेशन की लाइट यहाँ पे कम है, सो शैडो बैंक्स आर कॉल्ड शैडो बिकॉज दे आर रेगुलेटेड विद लेसर विगर और लेस स्ट्रिक्टनेस। सो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर जनरली कॉल्ड शैडो बैंक्स, राइट, बिकॉज देयर इज लैक्स कंडक्ट एंड दे आर नॉट सो नॉट कवर्ड बाय स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन लाइक बैंक्स, राइट। नाउ द आरबीआई इज इंकरेजिंग ऑल द एनबीएफसीज टू कन्वर्ट इन टू पेमेंट बैंक्स सो दैट दे कैन बी रेगुलेटेड एंड दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू क्राइसिस लाइक सब प्राइम क्राइसिस, राइट। यूनिवर्सल बैंक यार सिंपल सी बात है, कैफेटेरिया अप्रोच की, सब कुछ वहीं मिलता है, खाना पीना कॉफी से ली सब वहीं मिलता है। हंसना नहीं है, देखो याद रखने वाली बात है कि इंश्योरेंस सर्विस ले लो, डिपॉजिट लोन सब वही मिलता है। जितनी जनरल बैंक्स आप देखते हो ज्यादातर यूनिवर्सल बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ऑल आर दीज, राइट। सो खान वर्किंग ग्रुप साहब ने इधर क्या कहा था,
यूनिवर्सल बैंकिंग होनी चाहिए इंडिया में, ये नरसिम्हन साहब ने भी बोला, राइट। एडवांटेजेस क्या, ह्यूमन फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स का बहुत एडवांटेज है, काफी सारे लोग एक ही, मतलब एक बंदा काफी सारी सर्विस दे सकता है, जैसे सिंगल सर्विस विंडो होती है बैंक्स में, है ना। एंड डिसएडवांटेज क्या है, देयर रेगुलेटरी नॉर्म्स नॉट बीइंग सो स्ट्रिक्ट फॉर द नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज। सो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज पे इतने रेगुलेटरी नॉर्म्स नहीं है, सो नॉन बैंकिंग करके प्रॉब्लम हो जाती है जी। सो वो डिरेल हो सकते हैं कि चलो इधर रेगुलेशन नहीं है तो को भाग जाते हैं, राइट। सो यूनिवर्सल बैंकिंग में सारे आ जाएंगे, होलसेल बैंकिंग जो लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए, बड़े बड़े लोन्स के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो बिजनेसेस के लिए, और रिटेल बैंकिंग जो कस्टमर्स के लिए, ये तीनों एक जगह हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल बैंकिंग, राइट। और लास्ट टॉपिक आज के लिए, बैंक रन 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 रन, कौन सा गाना था वो, भाग 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 भाग, क्या गाना था वो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो बैंक उठ के भाग जाता है, बैंक की बिल्डिंग थी, बैंक भागने लग गया, कैन दैट बी डन, नो जी नो, प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, व्हेन पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बैंक्स कैपेसिटी टू ऑनर इट्स ऑफिशियल कमिटमेंट्स, दे फियर इट्स इनसॉल्वेंसी। हमें सबको चाहिए पैसा, है ना, सबको चाहिए रुपया, रुपया, तो हम रुपया अपना जाके बैंक में रखा देते हैं कि चल भाई डिपॉजिट हो गया, अब मुझे डर लग गया ये बैंक तो बंद होने वाला, जैसे पीछे येस बैंक के साथ मुद्दा खराब हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था एक प्रॉब्लम, तो हमें डर लग गया कि भाई साहब ये तो बैंक बंद हो जाएगा, मेरे तो पैसे मारे जाएंगे, कल को ताड़ा लगा होगा यहाँ पे। तो लगभग मेजोरिटी ऑफ द पीपल नाउ फियर इंसॉल्वेंसी ऑफ द बैंक। सो एकदम से, लेट्स से इस बैंक के पास 100 करोड़ डिपॉजिट थे, एकदम से 98 करोड़ लोगों ने अपना 98 करोड़ निकाल लिया कि हमें वापस कर दो हमारा डिपॉजिट, आई वॉन्ट टू विड्रॉ कैश। सो वाई, बिकॉज दे वर फियरिंग इंसॉल्वेंसी। अब सर बैंक कहाँ से लाए, इन्होंने 100 करोड़ को आगे लोन भी तो देना था, इसमें से 70-80 करोड़, लेट्स से 60 करोड़ तो एटलीस्ट लोन दिया हुआ था। सो बैंक रन से क्या होगा, बैंक रन इज व्हेन पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड दे फियर इंसॉल्वेंसी एंड लार्ज नंबर ऑफ सच कस्टमर्स ऑफ बैंक want to withdraw their deposits and this cause is a cause of great concern for the bank and जब बहुत सारे लोग withdraw करने लगते हैं तो सारे भेड़ चाल में बहुत ज्यादा लोग withdraw करने लगते हैं, this situation is called bank run। You know the fact that earlier when जब banks अभी start ही हुए थे तो हमारे हिंदुस्तानियों को तो गद्दे के नीचे पैसे छुपाने की आदत थी, तिजोरियों में रखने की आदत थी, हमें किसी ने बोला कि ये जो तुमने 10 साल से कमा कमा के 2 लाख रुपए डिपॉजिट करे हैं, उस जमाने में 2 लाख बहुत होते थे, सो 2 लाख रुपए डिपॉजिट करे हैं, इकट्ठे करे हैं, इनको इकट्ठे करके बैंक में डाल रहे हैं। अब वो बंदे की तो जान निकल गई, मैं क्यों डालूं इस बैंक में, ये भाग जाएगा मेरे पैसे लेके, विश्वास तो हम करते नहीं। बड़ी मुश्किल से हमने विश्वास पैदा करा कि भाई तेरे को 4% से 6% ब्याज भी देंगे, गद्दे के नीचे तो 2 लाख 2 लाख ही रहेगा, जब बैंक में देगा तो 2 लाख तेरा 4% ब्याज लेके आएगा हर साल, 4% कितना हुआ 2 लाख का, सी साइड वाले प्रैक्टिस कर लेना इसको, है ना। सो दैट्स इनफ फॉर द डे, वी आर डन विद बैंकिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई रिपीट अगेन, PDF नोट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस हैव बीन प्रोवाइडेड, इफ यू आर नॉट बीन प्रोवाइडेड नंबर वही है 9041943251, इस पे व्हाट्सएप छोड़ देना कि भाई मुझे नोट्स नहीं मिले, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स पर्सनली। एंड जो प्रॉब्लम्स लोग पूछ रहे थे, सर टेस्ट सीरीज भी इस कोर्स के साथ फ्री है, प्रीलिम मेंस एंड इंटरव्यू का सब कुछ जो जरूरी है, टेस्ट सीरीज एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड हेयर फॉर टोटली फ्री, डोंट वरी, जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड गेट अस रिजल्ट सर, लेट्स बी सक्सेसफुल ऑफिसर्स नाउ। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।